सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम उसी वीडियो का आपके लिए पार्ट बी लेकर आए हैं, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि मिसिंग फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं इफ़ हमारे पास क्वेश्चन में मीन ऑलरेडी गिवन होता है। तो यहाँ पर हमें सेम डाटा गिवन है, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि हमें फ्रिक्वेंसी एक नंबर की गिवन नहीं है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे xi कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारी मिड वैल्यू भी होती है, जिसे हम क्लास मार्क्स भी कहते हैं। मिड वैल्यू आती है हमारी क्लास इंटरवल से। तो 11 और 13 की मिड वैल्यू होगी यहाँ पे 12, 13 और 15 की 14, 15 और 17 की 16, 17 और 19 की 18, 19 टू 21 20, 21 टू 23 22 एंड 23 एंड 25 की 24 हमारी मिड वैल्यू। इट मीन्स xi हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे fi xi, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें पूछा है fi xi कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें fi और xi को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 12 हमारा होगा 84, 6 इंटू 14 84, 9 इंटू 16 144, 13 इंटू 18 234, F इंटू 20। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, हम F इंटू 20 तो करेंगे, पर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 20F। 5 इंटू 22 110, 24 इंटू 4 96, जो कि हमारा यहाँ पे fi xi कहलाएगा। तो क्वेश्चन में हमें सिग्मा fi xi और सिग्मा fi कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा fi हमारा यहाँ पे कितना आएगा इन सबको टोटल करके। हम यहाँ पर जो नंबर्स हैं पहले उन्हें ऐड करेंगे, उन्हें ऐड करने के बाद हमारा टोटल आएगा 44 प्लस f। f को हम लोग अलग से लिखेंगे, उसके बाद हम fi और xi को ऐड करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे कि सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, जो कि हमारा आएगा 752। एंड जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, उसे हम अलग से लिखेंगे प्लस 20F। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ले जाकर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एज इट इज़, सिग्मा 752 प्लस 20F, और सिग्मा fi हमारा गिवन है 44 प्लस f। तो यहाँ पर हमारे पास आया था 752 प्लस 20F अपॉन में 44 प्लस f। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे मीन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम मीन की जगह पे अपनी वैल्यू को पुट कर देंगे 18। यहाँ पर हम लोग पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो 18 इंटू 44F, यहाँ पर 18 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 792, और f को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18F, और ये यहाँ पर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20F। अब यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल वाले जो हमारे नंबर हैं वो हम एक साइड ले आएंगे, और नंबर्स वाले जो हमारी वैल्यू है उसे हम एक साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो नंबर्स वाले हैं उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। 792, और यहाँ पर 752 इधर रखा, अगर हमारा पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड आकर वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर 752 इज इक्वल्स टू 20F माइनस 18F। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 20F। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 40 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग 20F में से 18F को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2F। F को हम लोग एक साइड रखेंगे और 40 को यहाँ पर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी 20।